नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। महबूब देश स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करेंगे और आज हम बात करेंगे बिहार की। बिहार की सियासत में आज का दिन बेहद अहम माना जाने वाला है, क्योंकि आज नीतीश कुमार की एनडीए सरकार को विधानसभा में विश्वास मत साबित करना है। इसको लेकर आज दिन भर पटना में गहमा गहमी रहेगी। इसकी शुरुआत बीती रात हो चुकी है, जब तेजस्वी यादव के घर पुलिस पहुंच गई। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले खलबली का माहौल है। तेजस्वी यादव के घर पहुंची पुलिस। बीती रात तेजस्वी के घर पुलिस पहुंची थी। दरअसल आरजेडी विधायक चेतन आनंद की तलाश में पुलिस पहुंची। चेतन के भाई ने उनके लापता होने की शिकायत पुलिस में की थी और इसके बाद पुलिस पहुंची तेजस्वी के आवास पर। और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बीती रात उस वक्त की ये तस्वीरें हैं जब पुलिस तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंची और जब बाहर निकली तो मीडिया से बिना बात किए, सवालों का जवाब दिए बिना वहां से चली गई। इस दौरान आरजेडी समर्थकों ने नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साजिश रचने का आरोप लगाया गया। तेजस्वी यादव के आवास पर दलबल के साथ पुलिस पहुंची थी लेकिन चुपचाप वहां से निकल गई। अचानक वहां आने के क्या कारण थे, क्या इनपुट मिला था, इन सारे सवालों का कोई जवाब नहीं दिया गया। पुलिस के वहां से निकलते ही आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चेतन आनंद के क्रिकेट खेलने का वीडियो वायरल किया। तो देखिए दो तस्वीरें हैं। दरअसल चेतन आनंद के भाई ने लिखित शिकायत की कि उनके भाई लापता हैं और इसी सिलसिले में पुलिस तेजस्वी यादव के आवास में पहुंची। अब आरजेडी का कहना है कि ये सब जो तमाम हथकंडे हैं नीतीश सरकार के वो अपनाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम के बाद चेतन आनंद का जो वीडियो था वो उनके समर्थकों ने वायरल किया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।